क्यों आज हम यहाँ आए हैं, टू स्टार्ट और मैराथन का आरंभ करने आए हैं, टू विश्वास फाउंडेशन जिन्होंने कैंसर के लिए शेल्टर्स बनाए हैं विश्वास फाउंडेशन के जरिए, जो इलाज मुफ्त में देते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए उन्होंने बनाया, और उसके अवेयरनेस के लिए हम यहाँ आए हैं आज। ये मैराथन जो लोग इसको जो स्पॉन्सर करने आए हैं और उनका जो इसमें भाग लेने आए हैं, इसका मैं सबसे ज्यादा बधाई मैं देना चाहता हूँ सुरेश अग्रवाल जी को, जो ट्रस्टी हैं विश्वास फाउंडेशन के, जिन्होंने ये कैंसर शेल्टर्स बनाए हैं और जिन्होंने मुझे यहाँ, मुझे सौभाग्य दिया है कि मुझे यहाँ बुला के आज इनको इन मैराथन्स को फ्लैग ऑफ और आरंभ करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास फाउंडेशन को सपोर्ट कीजिए, कैंसर कैंसर का इलाज है और लोगों के और लोगों को ये इसका एहसास होना चाहिए, और आज का जो इवेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और सुरेश अग्रवाल जी जो काम कर रहे हैं उसको मैं बहुत साथ देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम दलीप तहेंगे। सर, 5 बजे सुबह से आप आए हैं, आपको आज कैसा लग रहा होगा सर यहाँ पे मॉर्निंग में आकर? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत मतलब यहाँ पर 800 लोग आए जो मैराथन में भाग लेने वाले हैं, बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया है कि ये कैंसर अवेयरनेस के ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रस्टीज है, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत सर अग्रवाल सर, काफी दिनों से करते आ रहे कार्यक्रम, क्या कहना चाहते हैं? सुरेश अग्रवाल जी ने मुझे यहाँ बुलाया, वो पिछले 25 साल से ना सिर्फ कैंसर के लिए कोविड के लिए भी काम करते आए हैं, और उन्होंने ये शेल्टर खोला है यहाँ पर कांदिवली में, जो मैं आपको कह चुका हूँ, जो लोगों को मुफ्त में इलाज देते हैं, और उनका खाना, उनका पीना, उनका रहना और इलाज भी डिस्काउंट पे करवाते हैं, तो मैं बहुत बहुत दाद देता हूँ। और मैं और मेरा सौभाग्य है कि सुरेश अग्रवाल जी के साथ मैं जुड़ा हूँ, जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया। पिछले कई सालों से, पिछले 25 वर्षों से आप जिस तरह से कैंसर पेशेंट के लिए करते आ रहे हैं, तो इस तरह से आज क्या हमारी जो संस्था है विश्वास, ये करीब 25 साल से मेनली कैंसर पेशेंट्स जो आउट ऑफ बॉम्बे से आते हैं, बिहार, राजस्थान, बंगाल, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पूरा इंडिया से आते हैं, उनको रहने की और उनको खाने पीने की ये सुविधा हम लोग निःशुल्क प्रदान करते हैं। तो करीब करीब 2200-2300 पेशेंट्स अभी तक हमारे शेल्टर होम में रह चुके हैं। तो ये कैंसर की अवेयरनेस के लिए, ये कैंसर से हमें डरना नहीं है, कैंसर से हमें लड़ना है, इस अवेयरनेस को जगाने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हमने रन अगेंस्ट कैंसर का आयोजन किया। तो मैं सबसे पहले श्री दिलीप ताहिल जी को धन्यवाद दूंगा जो हमारे रिक्वेस्ट पर यहाँ आए और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए। इनके आने से जो कैंसर मरीज हैं या जो कैंसर सर्वाइवर हैं उनको बहुत जोश मिलता है, उनको ये जानने को मिलता है कि कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, कैंसर का इलाज हो सकता है, हम समय पर चेकअप करवाएं, हिम्मत रखें, इलाज कराएं तो कैंसर का इलाज होता है। मेरे घर में भी, मेरे परिवार में 7 लोगों को कैंसर हुई थी, आज भगवान की कृपा है, डॉक्टरों की कृपा है, सब अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कैंसर से डरे नहीं, कैंसर का इलाज है, साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो हिम्मत रखकर इलाज कराएं तो कैंसर सबके ठीक होता है। तो सबसे अनुरोध करता हूं मैं कि सब समय समय पर चेकअप कराते रहें और अपना कैंसर का इलाज समय पर करवाएं, डरे नहीं। सर, आपका एनजीओ किस तरह काम करता है? हमारा एनजीओ का मेन काम है जो बाहर से पेशेंट आते हैं, जो बॉम्बे के बाहर के, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे आसाम के हों, मेनली आसाम, बंगाल, बिहार, इतनी स्टेट से ज्यादा पेशेंट आते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आज ये रन विश्वास करके मैराथन का आयोजन किया, हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको धन्यवाद दूंगा कि वो लोग इतने सपोर्ट, हमारे कोच को जो सपोर्ट करने आज सुबह 5 बजे आए हैं यहाँ पर, और अपना समय अपना नष्ट किया उन्होंने, समय भी खर्चा किया, और सबको कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट करने का उनका काम था, उसके लिए दौड़ रहे हैं ये। सर, जो डरते हैं कैंसर को लेकर कि कहीं ना कहीं अगर दिखाऊं तो हो सकता है कैंसर निकल जाने, तो उसके लिए आपका क्या? ये बहुत बड़ा भ्रम है, लोग इतना डरते हैं कि जब डाउट भी हो गया कैंसर है तो भी टेस्टिंग नहीं करवाएंगे, अरे निकल गया तो क्या होगा, तो ये नुकसान करता है उनको। अगर 1 साल लेट करेंगे तो कैंसर और बढ़ जाएगा, जब भी डाउट हो इमीडिएट चेकअप करा लें, इलाज हो जाएगा, उसको डरने की जरूरत नहीं है उनको। ये हम लोग बार बार सेमिनार करते रहते हैं, बार बार कैंप लगाते हैं, उसके लिए हम लोग एवरी ईयर अलग अलग कैंप लगाते रहते हैं हम लोग, और ब्लड प्लेटलेट्स डोनेशन भी हम लोग देते रहते हैं। मैंने खुद ने करीब 66 टाइम्स अपना प्लेटलेट्स दिया है कैंसर पेशेंट्स को। तो लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है, सिंपल है एकदम, कैंसर से डरे नहीं, और जो कैंसर पेशेंट्स है
उनको आपकी मोरल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। उनको आप मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे तो रिकवरी होने के जो चांसेस हैं, अगर 2 साल लगता है तो उनको 1 साल लगेगा। और आप लोग सब मिलते रहेंगे उनसे, उनका हौसला बढ़ाते रहेंगे तो रिकवरी जल्दी होगी उनकी। ये मैसेज है कि कैंसर पेशेंट्स को उनको सिंपैथी नहीं, उनको सपोर्ट करें।